हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट हेल्थ केयर में। गाइस, यह वीडियो केवल जानकारी के पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें और डॉक्टर की एडवाइस पर ही यूज़ करें। तो गाइज, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को दबा दें। तो गाइज, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स के बारे में। हम इसको हाथ कांपने की समस्या, या कभी कभी आप देखते हैं किसी व्यक्ति का हाथ ज़्यादा कांपने लगता है अचानक से, तो उसको हम इंग्लिश में ट्रेमर्स कहते हैं। जानेंगे उनके कारणों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में, क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन कौन से लक्षण होते हैं और क्या क्या कारण होते हैं। तो गाइस, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेमर्स के बारे में, व्हाट इज ट्रेमर्स। तो गाइस, चलिए जानते हैं सबसे पहले ट्रेमर्स होता क्या है। गाइस, यह बूढ़े व्यक्ति में, यानी जो ओल्ड एज के व्यक्ति हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, या तो उस व्यक्ति में ज़्यादा देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इसमें व्यक्ति की मसल यानी हाथ पैर सिर शेकिंग यानी कि कपकपाने लगते हैं। इसको हम आसान लैंग्वेज में हम ट्रीमर्स कहते हैं। तो गाइस, चलिए अब बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में कि यह कितने प्रकार के होते हैं। गाइस, यह बहुत से टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एसेंशियल ट्रेमर्स, पार्किंसोनियन ट्रेमर्स, डाइस्टोनिक ट्रेमर्स, सेरेबेलर ट्रेमर्स, साइकोजेनिक ट्रेमर्स, ऑर्थोस्टेटिक ट्रेमर्स एंड फिजियोलॉजिक ट्रेमर्स। यह इनके सारे टाइप्स होते हैं, ये इतने प्रकार के होते हैं। तो गाइस, चलिए बात करते हैं इनके कॉजेज के बारे में, यानी कि इनके कारणों के बारे में कि यह किस कारण से होता है, या उस व्यक्ति को डिजीज़ बहुत पहले से कोई डिजीज़ हो, या तो उस व्यक्ति को कोई बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई, या कैफीन का सेवन कर रहा है, या तो उसकी मसल फैटिंग, या तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, या तो उसका जो ब्लड शुगर है वो बहुत ज़्यादा लो है। इस वजह से इंसान को ट्रेमर्स होने की शिकायत देखने को मिलती है। बात करते हैं इनके इलाज के बारे में। अगर किसी व्यक्ति में यह समस्या हो तो वह क्या करे, सबसे पहले जो खुद से करना है यानी सेल्फ ट्रीटमेंट, तो अगर उस वह व्यक्ति शराब पी रहा हो तो उसको तुरंत बंद कर दे, मसाज करवाए, मेडिसिन टाइम पर ले। और अगर उस व्यक्ति में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिले, जैसे कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वीकनेस महसूस हो रही है, तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाए और हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए। तो गाइस, अब बात करते हैं इनके मेडिसिन ट्रीटमेंट के बारे में, क्या क्या दवाएं दी जाती हैं। आप टैबलेट रेवोकॉन, जो कि इसकी जो मेन दवा है वो है रेवोकॉन, आप इसको दे सकते हैं। उसके साथ आप टैबलेट लाइकोपेन, टैबलेट शेल, या तो टैबलेट शेलकाल, या तो इंजेक्शन न्यूरोस्टारसी या मिथाइल 2500 आप उसके साथ लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, उसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। और हाँ गाइस, कमेंट करके जरूर बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊं। थैंक यू सो मच गाइस।